हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी सुबह के 5:30 बजे रहे और हम जा रहे हैं जिम में थोड़ी एक्सरसाइज करने। तो अभी जिम में चलते और भाई एक तो ठंड इतनी ज़्यादा हो रखी है, मैं तो पता है एक अंदर टी शर्ट पहन रखी है, ऊपर से शर्ट पहन रखी है, तब भी मुझे इतनी ठंड लग रही है, बहुत तगड़ी ठंड है। मैं तो ये सोच रहा हूँ अभी से इतनी ठंड क्यों हो रखी है। अब्बा जो थे हमारे वो फ्रिज खोल के चले गए थे तो ठंडी बढ़ गई। हाय गाइस, ये लेट लती बंदा मैं तो। हाँ लेट हुआ आज तो गाइस जिम में तो हम अभी पहुंच गए हैं और अभी थोड़ी देर में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे वार्म अप करके। हमारी एक्सरसाइज सारी कंप्लीट हो गई, आज बैक का डे था तो आज हमने बैक की और थोड़ी सी कार्डियो की तो सारी ख़त्म हो गई। अभी मैं छत पे आया था, पोल्यूशन देखो आप कितना हो रखा है। पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रखा है। पोल्यूशन के चक्कर में तो हमारे स्कूल भी बंद हो रखे हैं, ऑनलाइन क्लास चल रही है, कल ऑनलाइन क्लास थी और आज 8 तारीख है तो 7 से ऑनलाइन क्लास चालू हुई थी और 10 तक ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। 10 के बाद तो वैसे भी दिवाली की छुट्टी है। एक वो होता है ना जैसे मुंह में धुआं चला जाता है और फिर खांसी सी आती है, वैसा सा पोल्यूशन हो रखा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा है। अभी नीचे ही चलते हैं, यहाँ पे होने का फ़ायदा ही नहीं है फिर कुछ। और बाय द वे भाई मैंने नया फ़ोन ले लिया है, 1+10T। मैं उसका ना व्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि पापा ने ना रात में सरप्राइज़ दिया। देखो हुआ क्या, पापा ना यूजुअली जैसे जिम जाते हैं 6 बजे चले जाते हैं, फिर 10 बजे आते हैं घर पे, तो मेरे को तो पता ही नहीं था फ़ोन लेके आएंगे। मैं ट्यूशन से घर पे पहुंचा, फिर थोड़ी देर बाद पापा आ गए, 9 बजे मैं ट्यूशन से घर पे पहुंचता हूँ, फिर थोड़ी देर बाद पापा आ गए 10 बजे। 10 बजे देखा हाथ में फ़ोन का डब्बा 1+10T, पापा ने मेरे को गिफ्ट किया। फिर वो एक्साइटमेंट में, एक तो रात थी, रात में व्लॉग कहाँ ही बनाता, वो होता ना जैसे कि थोड़ा इमेज क्वालिटी अच्छी नहीं आती इसलिए व्लॉग नहीं बनाया, और एक्साइटमेंट भी थोड़ी ज़्यादा ही थी फ़ोन को ओपन करने की। तो बस सोचो रात में 10:30 बजे फ़ोन आया था और मैंने हाथ ही अनबॉक्स कर दिया और फ़ोन सारा सेटअप कर दिया मैंने, सब कुछ रात में ही, सिम डाल दी, ID डाल दी, इंस्टा फेसबुक सब डाल दिया मैंने रात में आते ही। 12 बजे तक फ़ोन यूज़ किया मैंने उस दिन। अभी ये जो मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ ना, ये 1+10T से ही कर रहा हूँ, अपने ही फ़ोन से कर रहा हूँ। बैकग्राउंड में आप ब्लर देखो, ये ना 1+ जैसे पहले ना मैं 1+7 से रिकॉर्ड करता था व्लॉग तो उसमें ना बैकग्राउंड ब्लर नहीं आता था, इसमें देखो बैकग्राउंड ब्लर और खाली मेरा फेस वो हो रहा है। और ये देखो मच्छर के निशान देखो कितने सारे हैं, पूरे फेस पे मच्छर ही मच्छर के निशान है। अब मैं स्कूल जाऊँगा ना, जब भी जाऊँगा जैसे 15, 17, 16 तारीख को, सारे बोलेंगे भाई तेरे चिकन पॉक्स है, मेरे मच्छर ही इतने काटते हैं, पता ही देखो कितने निशान हैं, बहुत ज़्यादा निशान हो रखे हैं मेरे मच्छर हो गए। और मच्छर हैं भी कुछ ज़्यादा ही, रात में तो इतने आते हैं बस ऐसा लगता है अभी उठा के ले जाएंगे मच्छर। भाई सब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ही। मतलब कुछ भी। तो भाई अभी जिम में पापा आ गए, हम घर पर जाते हैं, ऑनलाइन क्लास है ना 9 बजे, अब ऑनलाइन क्लासेस चालू हो रखी है तो घर पर जाके फ़ोन में 5% बैटरी रह रखी है बस, तो चार्ज पे लगा के जब तक हो जाएगा। 160 वॉट का चार्जर है, 15 मिनट में फुल चार्ज कर देता है, तो
तो अभी घर पे जाके चार्जिंग पे लगाते हैं, फिर 9 बजे क्लास है, 9 से 1, फिर मैं आपको 1 बजे मिलता हूँ। तो गाइस ऑनलाइन क्लासेस का जो सिलसिला था वो सारा ख़त्म हो गया। 5 पीरियड लगते हैं, टोटल 1 बजे तक क्लासेज होती है, तो वो सारी क्लासेज हो गई। और अभी मैंने खाना वाना मतलब सब खा लिया, अभी ना 1:30 बज रहे हैं, खाना वाना सब खा लिया मैंने। तो अभी ना मम्मी को बुध बाजार लेके जाना है, कुछ डेकोरेशन का सामान लाना, दिवाली आ रही है ना, तो चलो अभी बुध बाजार चलते हैं मम्मी को लेके। तो भाई मम्मी ना अभी जिम में जा रखी है, मम्मी को जिम से ले लेंगे और ये खड़ी अपनी बाइक, इस पर चलते हैं। तो भाई मैं भी जिम में आ गया, मम्मी ऊपर है, बोल रही है कि 5 मिनट में आ रही है, उसके बाद चलेंगे। तो भाई अभी हमने यहाँ पे पार्किंग में लगा दी बाइक और चलते हैं, मम्मी वहाँ पे आगे खड़ी है, ये खड़ी भाई मम्मी, साथ में चलते हैं। अभी मेरा ना 2 पैसे का मन नहीं करता इस बाज़ार में आने में यार, इतनी भीड़, बस पूछो मत, इतने तो मंदिरों में नहीं होती जितनी यहाँ पे है। ये रवि सारा दिवाली का डेकोरेशन का सामान भाई, इतने सारे स्टॉल्स हैं यहाँ पे, कोई मच्छर मारने की दवाई दे रहे हैं, कोई कुछ, सबकी आवाज़ मिक्स होके आ रही है, पता ही नहीं लग रहा कौन सी भाषा में बोल रहे हैं। क्या रे सेटिंग किया है भाई, एक बार पब्लिक देखो, बिल्कुल ऐसे घूम रहे जैसे मच्छर हो, मच्छरों का झुंड नहीं होता है, इतनी ज्यादा पब्लिक है। और मम्मी ये मत देखो यहाँ आके भी, बेटा ये सूट के लिए नहीं देख रही, और किसी और काम के लिए देख रही, ये भी दिवाली में काम आएगा क्या? जल्दी ले मम्मी यार, कोई सा ही पसंद कर लो, एक गेट पे ही तो लगाने हैं, ले लो कोई सा भी, एक भी ये ले लो, ये ले लो, कोई भी ले लो इनमें से, जल्दी ले ऊपर। अरे ये वाली बढ़िया है, ये ले लो, 5 का पैक होगा मेरे ख्याल में, हाँ यही उठा लो, 5 वाले वो होते हैं। तो भाई इसी का 5 वाला पैक ही ले रहे हैं, मम्मी कह रही 4 ले ले, मैं कह रहा हूँ 5 ही ले लो, एक एक्स्ट्रा पड़ी रहेगी। भाई हम फिर से आगे, ये वाली बंदूक लेने, 2 बंदूक लेनी है, एक तनिष्का के लिए, एक खुशी के लिए, दोनों छोटी बहनों के लिए लेनी है, ये वाली बढ़िया है। तो चलो भाई सारा सामान जो लेना था डेकोरेशन का वो सारा ले लिया, अभी चलते हैं बाइक निकालते हैं और फिर घर पे चलते हैं सीधा। भाई बुलेट के पीछे स्कूटी, आगे स्प्लेंडर, आगे एक और भाई, भाई भाई आपकी स्कूटी, अभी इसे निकालूँ कैसे, स्प्लेंडर वाला तो मिलेगा नहीं, एक काम करता हूँ स्कूटी ना पीछे कर देता हूँ किसी, रुको भाई, अभी हमने स्कूटी साइड में कर दी, अपनी बुलेट तो निकल जाएगी, इसकी स्कूटी खड़ी रहने दो मेन रोड पे। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। तो भाई बुध बाजार में से तो मम्मी को वापस लेके आ गया, सारा सामान ले आए हम दिवाली डेकोरेशन का, और अभी थोड़ा घर का सामान लेने चलते हैं, पापा मम्मी मैं और भाई जा रहे हैं BKD, चलो चलते हैं। चप्पल चप्पल छूट गया, हम फर्स्ट। तो भाई पहुंच गए हम BKD में, गेट बंद करते हैं और चलते हैं भाई, अभी अंदर चलते हैं। दिवाली आ रही है ना, इन्होंने पूरा सजा रखा है एंट्री गेट पूरा। अबे सेंट देखियो कैसे हैं। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। अबे लगा रहा है क्या? अबे लगा रहा है। लगा के दिखा तेरे पे दम, वो लगा दे। भाई तेरे में दम हो लगा ले, हाँ बॉडी का ही भाई डिओड्रेंट, तेरे पे दम हो लगा ले। दम तो दुनिया भर का बड़ा है। ओ भाई।
चल भाई, तो भाई मैं कुटकी दूर दूर तक बढ़िया था। एक काम करेंगे, डेली आ जाया करेंगे, खत्म हो जाएगा तो यहाँ लगा जाएंगे। शाबाश, इनका खत्म कर। सुन, तूने हाथी की बोतल देखी है? डॉक्टर अंजना जाती ना दिखा, डॉक्टर अंजना जाती की बोतल, तेरी फ्यूचर बोतल मतलब है ना। दो महीने रुक जा, मेरी बॉडी बनने वाली है। दिखा दिखा दिखा, बोला तो है वही। पेन भी ये देख, ये लेना बटरफ्लो क्लासिक जेल, 110 का एक है। ये तो मैंने देखी पहली बार है, 110 का एक है। कौन सा है? वही है, बटरफ्लो क्लासिक रोलर। अच्छा वो होगा फाउंटेन वाला, मेरे पे फाउंटेन वाला तो नहीं है, पता नहीं कौन सा बढ़िया है। तेरा तो पढ़ाई लिखाई से कुछ लेना देना आया होगा नहीं। हम लोग क्या कर रहे हैं? चलो अबे सुन, तो तेरे को तो यही नहीं पता चला होगा साइंस में कब मैथ आ गई और मैथ में कब ABCD। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। एक बात बता, इसका तेल आता है ना? हाँ। ये रगड़ेंगे तेल आएगा, जाग आएगा। वाह क्या जोक मारा है, वाह क्या जोक मारा है। अरे ऑटोग्राफ चाहिए ना, ऑटोग्राफ चाहिए ना। पेन नहीं है, कल पक्का मिल जाएगा। 1 करोड़ में भेज देना, ईबे पे मेरी डिमांड बहुत है। ईबे ईबे ईबे, अरे बाहर एक ओएलएक्स नहीं होता इंडिया में, बाहर ईबे है। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का, उसमें बेच दियो 1 करोड़ तेरा का। पक्का ना? पक्का ना भाई, मैं ना कभी अपना वो नहीं करता कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मेरे पे रोल्स रॉयस पड़ी है, जैगुआर जुगुआर है घर पे। मैं बोलता कभी, मैं बोलता ही नहीं यार ये सब चीजें। चल अब घर चलते हैं। मैं बोलता नहीं भाई ये सब चीजें। आने इधर, आ इधर, इस साइड आ भाई। अबे तेल इधर ही पड़ा है, तेल भी लगा ले, सेंट तो लगा ही लिया। हाँ सारी चीजें लगा ले, काम कर, बाथरूम भी पूछ ले इनसे, ना धो के ही चलते हैं। शाबाश, ना धो के चलते हैं। ये देख शैम्पू शैम्पू पड़े हैं वहाँ पीछे, साबुन मर्जी का शैम्पू बाथरूम लगा ले। फिर तो कोई भी उठाए, महंगे से महंगे वाला उठाओ, महंगे से महंगा। मेहमान है भाई तुम्हारे। तो भाई हमने सारा सामान तो ले लिया है और अभी आ गए हैं बिलिंग काउंटर पे, तो यहाँ पे बिल करवाते जल्दी से और फिर घर पे चलते हैं। बाय बाय BKD। माँ मुझे टाटा कह जो, मुझे टाटा कह जो। चलो भाई अभी ये सारा सामान कट्टे में डालते और फिर घर पे चलते हैं। बस तो भाई आ गए हम अपने अब होम स्वीट होम पे, और चलो अभी गाड़ी में से सारा सामान निकालते हैं और फिर इसे ऊपर लेके चलते हैं। तो भाई मम्मी यहाँ पे आटा गूंथ रहे, क्या बनाया आज? छोले पूरी। छोले पूरी, छोले देखो भाई। वेरी गुड वेरी गुड, आके खाते हैं। तो भाई मेरे तो हो गया अभी ट्यूशन का टाइम, मैं तो चलता हूँ, रिश्तेदार आने वाले घर पे, मैं चलता हूँ ट्यूशन पे, आने के बाद ही मिल पाऊंगा उनसे। चलो भाई बैग टांग लिया हमने, बुलेट पे चलते हैं ट्यूशन। तो गाइस पहुँच गया मैं अपने ट्यूशन पे, यूनिवर्सल कोचिंग सेंटर पे पढ़ता हूँ मैं, और तो अभी ऊपर चलते हैं। इधर अभी यूनिवर्सल कोचिंग सेंटर, ऊपर चलते हैं यहाँ से। तो गाइस ट्यूशन पे से मैं आ चुका हूँ और अब मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूँ, मिलता हूँ मैं आपको कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।